जय श्री राधे मित्रों, वैदिक कृषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको हम जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक के राशि फलादेश को बता रहे हैं महीना वाइज। अगर आपका जन्म तारीख, महीना, सन, समय और स्थान हो तो आप हमारी वैदिक ऋषि का कुंडली ऐप डाउनलोड करें, उसके अंतर्गत आप प्रतिदिन का अपना फलादेश देख सकते हैं। तो आज मैं आपको कर्क राशि की कैसी स्थिति है, कर्क राशि का क्या स्थिति है पूरे वर्ष, वह मैं बता रहा हूँ। कर्क राशि जानने के लिए ही हु हे हो डा डी डू डे डो, यह अक्षर अगर है तो कर्क राशि के अंतर्गत आता है। कर्क राशि में जनवरी का महीना कैसा जाएगा कर्क राशि वालों के लिए ध्यान दें। इस वर्ष स्टॉक या शेयर मार्केट से दूर रहें। कोर्ट कचहरी से अच्छे परिणाम की प्राप्ति नहीं है। स्त्री को उदर विकार से संबंधित पीड़ाएं सहन करनी पड़ेंगी। परिस्थितियां आपकी कैसी भी हो पर धन का लाभ अवश्य मिलेगा, चाहे जैसे भी हो। आपका फरवरी का महीना कैसा जाएगा ध्यान दें। फरवरी के महीने में परिस्थितियां आपके टोटल विपरीत हो या किस भी परिस्थिति में हो आप, पर धन, वस्त्र, आभूषण का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हाँ, स्वास्थ्य के लिए उदर विकार से संबंधित पीड़ाएं आपको सहन करनी पड़ेंगी, इसलिए आप अपने खान पान और रहन सहन पे विशेष तौर से ध्यान दें। आपका मार्च का महीना आश्चर्यजनक स्थितियों में आपको धन लाभ के योग बनेंगे। विरोधी व शत्रु पर विजय की प्राप्ति होगी। उदर विकार से बचें। सरकार के निर्णय से या कोई कानूनी अड़चनों के कारण आपको समस्याएं आ सकती हैं, कष्ट की प्राप्ति होगी। बाकी आगे बढ़ने का बहुत अच्छा समय है। आपका अप्रैल का महीना कैसा जाएगा? नौकरी या व्यवसाय के में विशेष सफलता मिलने का योग है। चलने फिरने में कष्ट की अनुभूति होगी। योजनाओं की सफलता हेतु, जो आप कार्य की योजना बनाए हैं उसकी सफलता हेतु आपको धन की प्राप्ति भी होगी और गुप्त रोग संभव है, हो सकता है, इससे बचें। आपका मई का महीना कैसा जाएगा? शत्रु विरोधियों से सावधान। योजनाओं पर काम करने का उचित समय चल रहा है और रुके हुए कार्य आपके संपन्न होंगे। मानसिक रूप से संपन्न होने पर मानसिक रूप से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। योजनाओं की सफलता हेतु जितने भी धन की आवश्यकता आपको पड़ेगी आपको निश्चित मिलेगी और आपका कार्य आगे बढ़ेगा। जून की स्थिति में जून में कैसी स्थिति रहेगी? शत्रु व विरोधी से इनसे आपको सजग रहना है। अचानक व्यर्थ के खर्च बढ़ेंगे। किसी न किसी कारण से धन का अपव्यय होगा, निरर्थक खर्च बढ़ जाएगा, परंतु योजनाओं के लिए आपको कमी नहीं पड़ेगी, आपको धन मिलेगा। इसलिए आप निरर्थक खर्च से बचें और अपनी जो योजनाएं आपकी हैं उस पे आप कार्य करें, सफलता निश्चित है। आपको जुलाई का महीना कैसा जाएगा? जुलाई में शारीरिक पीड़ाओं का योग है। निरर्थक धन का व्यय होगा। कार्य हेतु आपको धन मिलता रहेगा। जो आपने योजनाओं को आगे बढ़ाना है, जिस योजना पे आप कार्य कर रहे हैं उसके हेतु धन की कमी नहीं पड़ेगी। आपका अगस्त का महीना कैसा जाएगा? शरीर के निचले हिस्से में आपको पीड़ा, स्वजनों की तरफ से बिना कारण भय की स्थिति,
मान सम्मान में गिरावट और खर्च, निरर्थक खर्च नहीं होगा, खर्च कम होंगे, पर इनसे बचें। सितंबर के महीने का क्या स्थिति है? शरीर के निचले हिस्से में पीड़ा या विकार, हर तरफ से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा चतुर्दिक, पर शारीरिक सुख में कमी पाई जाएगी। व्यापार से लाभ, विरोधी तत्व पराजित होंगे। अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा? शरीर में पीड़ाएं तो रहेंगी, मान सम्मान में कमी का योग बना रहेगा, मां से सुख व धन की प्राप्ति, कार्यों द्वारा भी आपको धन की प्राप्ति होगी, मां से सुख और वस्त्र इनकी प्राप्ति होगी। जो भी कार्य आप करेंगे उससे भी धनार्जन का योग बना हुआ है। नवंबर, शरीर में पीड़ाएं रहेंगी, उसके अंदर विकार बना रहेगा, विपरीत परिस्थितियों में से जो कार्य करने की आपकी क्षमता है, विपरीत परिस्थितियों के कारण मन अस्वस्थ रहेगा। पारिवारिक सुख व माता से सुख धन प्राप्ति संभव है, तो आप उस समय अपनी मां का स्मरण ज्यादा रखें और ध्यान करें। दिसंबर का महीना शरीर के निचले हिस्से में आपको पीड़ा और कष्ट की अनुभूति होगी, शत्रु आपके पराजित होंगे। जो भी निर्णय ले सोच समझ करके ले, घर में संतान सुख का योग है। इस वर्ष शारीरिक पीड़ाओं का योग ज्यादा है, आगे बढ़ने का भी योग है, लाभ भी मिलेगा। तो हो सके तो इस वर्ष आप हनुमान बाहु का पाठ प्रतिदिन करें तो उससे आपको सद्य लाभ की प्राप्ति होगी, या इंद्राक्षी कवच का पाठ करा के भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे।